हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास बैटलफील्ड 2042 में ये एरर आ रहा है 15-7A, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको बैटलफील्ड एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक कर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है और यहाँ पर आपको रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क रीसेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर रीसेट नाउ के ऊपर क्लिक कर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास विंडोज़ में ऑल नेटवर्क जो है वो रीसेट हो जाएंगे, तो आप सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। ओके, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज अडाप्टर सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वाईफाई नेटवर्क को आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप जो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है बैटलफील्ड गेम को जो है उसके फाइल्स को वेरीफाई कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर गेम्स फाइल्स को जो है वेरीफाई कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप जो है अगर कोई भी VPN आप यूज़ कर रहे हैं आपके PC या लैपटॉप में, तो आप उसको जो है डिसेबल कीजिए या फिर रिमूव कीजिए। उसके बाद आप अपने PC को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।